कि सरकार कांग्रेस की बनेगी 2026 के अंदर, और 2026 के अंदर यहाँ की पहली कैबिनेट के अंदर ये एक फैसला लिया जाएगा, एसआईटी बनाई जाएगी, और जितने भी ये करप्शन के मामले इनके सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आ रहे हैं, इनके परिवार के आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ जो मामले आ रहे हैं, इन सबों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इनने असम को लूट लिया है। आज असम की जनता ने देख लिया है कि ये सबसे करप्ट सरकार जो चल रही है, ये जमीनों का सौदा कर रही है अपने परिवार के अंदर, जो भी कोई करप्शन होता है वो अपने एक ही परिवार के अंदर होता है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। और आज जो युवा है, यूथ है, वो चाह रहा है कि असम के अंदर सफाई हो, इस तरह के जो लोग हैं इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। मैंने अभी घोषणा करी है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी 2026 के अंदर, और 2026 के अंदर यहाँ की पहली कैबिनेट के अंदर ये एक फैसला लिया जाएगा, एसआईटी बनाई जाएगी, और जितने भी ये करप्शन के मामले इनके सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आ रहे हैं, इनके परिवार के आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ जो मामले आ रहे हैं, इन सबों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इनने असम को लूट लिया है। ये एलिगेशन हमेशा उठता है कि कांग्रेस का बहुत सारे एमएलए सीएम के साथ में रहते हैं, और ये जो अमृत कला जत्था हुआ है, इसने इसके ऊपर मैं आपको निवेदन करूंगा, ये मैंने संज्ञान ले लिया है, ये मेरे सामने ये मुद्दा सामने आया था, उसके ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बहुत जल्दी फैसला लेने वाली है कि क्या उसके ऊपर हम आगे कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। जो कार्रवाई हम करेंगे उसके ऊपर हम एआईसीसी, जो हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी जो बनी हुई है केंद्र लेवल पर, उनसे चर्चा करने के बाद हम यहाँ डायरेक्शन इश्यू कर देंगे। ग्रास रूट का जो वर्कर्स है, उन लोग का मन में बहुत दुख होता है, बोल रहा है। मुझे ग्रास रूट से ही बात आती है, जो ग्रास रूट की जो भावना रहेगी वही मेरी भावना है, वही एआईसीसी की भावना है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी 2026 के अंदर, और 2026 के अंदर यहाँ की पहली कैबिनेट के अंदर ये एक फैसला लिया जाएगा, एसआईटी बनाई जाएगी, और जितने भी ये करप्शन के मामले इनके सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आ रहे हैं, इनके परिवार के आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ जो मामले आ रहे हैं, इन सबों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इनने असम को लूट लिया है। आज असम की जनता ने देख लिया है कि ये सबसे करप्ट सरकार जो चल रही है, ये जमीनों का सौदा कर रही है अपने परिवार के अंदर, जो भी कोई करप्शन होता है वो अपने एक ही परिवार के अंदर होता है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। और आज जो युवा है, यूथ है, वो चाह रहा है कि असम के अंदर सफाई हो, इस तरह के जो लोग हैं इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। मैंने अभी घोषणा करी है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी 2026 के अंदर, और 2026 के अंदर यहाँ की पहली कैबिनेट के अंदर ये एक फैसला लिया जाएगा, एसआईटी बनाई जाएगी, और जितने भी ये करप्शन के मामले इनके सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आ रहे हैं, इनके परिवार के आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ जो मामले आ रहे हैं, इन सबों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इनने असम को लूट लिया है। ये एलिगेशन हमेशा उठता है कि कांग्रेस का बहुत सारे एमएलए सीएम के साथ ताप में रहते हैं, और ये जो अमृत कला जत्था हुआ है, इसने इसके ऊपर मैं आपको निवेदन करूंगा, ये मैंने संज्ञान ले लिया है, ये मेरे सामने ये मुद्दा सामने आया था, उसके ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बहुत जल्दी फैसला लेने वाली है कि क्या उसके ऊपर हम आगे कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। जो कार्रवाई हम करेंगे उसके ऊपर हम एआईसीसी, जो हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी जो बनी हुई है केंद्र लेवल पर, उनसे चर्चा करने के बाद हम यहाँ डायरेक्शन इश्यू कर देंगे। ग्रास रूट का जो वर्कर्स है, उन लोग का मन में बहुत दुख होता है, बोल रहा है। मुझे ग्रास रूट से ही बात आती है, जो ग्रास रूट की जो भावना रहेगी वही मेरी भावना है, वही एआईसीसी की भावना है।